यही होता है सरकारी बैंकों में। प्राइवेट में उनका खुद चिंता रहता है, खुद हाथों हाथ करते हैं लोग, फॉर्म भी खुद ही भर देंगे। सरकारी में इधर भगाएंगे उधर भगाएंगे, अब बोल रहे कि जाओ। तो अभी आज आंखों के सामने सब हुआ, पूरा बाढ़ आ गया है देखो संगम बिहार में पूरा। देखो अपना कालू नहाते हुए जा रहा है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कहते हैं आप लोग, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि मैं 2 बार गया उधर बैंक में और काम नहीं हो पाया, तो एक दिन गैप करके आज मैं जा रहा हूँ फिर से। आज जाके देखते हैं क्या होता है। अभी सुबह के 11 बज रहा है, अभी मैं निकल रहा हूँ। अपना आधा घंटा में चले जाएंगे, आधा घंटा में आ जाएंगे। 10 मिनट का काम है, 10 मिनट का भी नहीं, अगर भीड़ नहीं रहेगा तो। भीड़ रहेगा लाइन लगाना पड़ जाएगा, तो उसमें टाइम लग जाएगा। अगर भीड़ नहीं रहेगा तो बस जाकर पूछना है कि मेरा ATM कार्ड यहीं पर आया है कि पोस्ट ऑफिस में आया है, तो वहीं मैं जा रहा हूँ। चलो उसी के लिए 3 दिन से दौड़ रहा हूँ। चलो आज भी जाके देख लेते हैं क्या होता है। अभी इधर थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, देख रहे हो झिलमिल झिलमिल सी बारिश हो रहा है, पूरा कीचड़ कीचड़ हुआ पड़ा है। तो आ गया मैं इधर हमदर्द पे, चलो ऑटो पकड़ के उस साइड से जाके। तो बैठ गया हूँ मैं शेयरिंग ऑटो में। तो आ गया मैं, बारिश बहुत तेज हो रहा है, देख रहे हो बारिश थोड़ा तेज हो गया है। पूरा ऑटो खाली है, मैं ये इसलिए अब रास्ते में उतर गए, मैं अकेले भी आ गया इधर फुल चक्कर में। अब आप लोग सोचोगे कि मैं इतना दूर अकाउंट क्यों खुलवा रखा हूँ, जो कि आने जाने में 40-50 रुपये खर्च हो जा रहा है। तो संगम बिहार में मैं इसलिए नहीं खुलवाया क्योंकि वहाँ पे इतना भीड़ रहता है कि थोड़ा सा भी जो भी पूछताछ करने के लिए सुबह 4 बजे से लाइन लगाना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर मैं करवाया था। और बाइक निकल जाएगा तो बाइक में प्रॉब्लम नहीं होता है, अपना 10 मिनट में आओ 10 मिनट में चले जाओ। ये ऑटो वाले बैठा ले रहे हैं और फुल करने में 20-25 मिनट लगा दे रहे हैं। 20 मिनट लगा उसको फुल करने में, फिर भी कोई नहीं आया, बस एक बंदा आया तो फिर बैठा के निकला 4 को। चलो देखो यहाँ पे डेली बारिश ही बारिश हो रहा है, पता नहीं क्या लिखा है, जब भी आ रहा हूँ बारिश हो जा रहा है। तो चलो आज देखता हूँ मैं हो पाता है कि नहीं। ये सरकारी बैंकों के यही हाल होता है। मैं 1 महीना पहले फॉर्म भर के दे दिया था, वो तो फॉर्म वो लोग कंप्यूटर पर चढ़ाए ही नहीं है, अभी ATM बना ही नहीं है, अब बोल रहे कि दोबारा फॉर्म भर के दो। यही होता है सरकारी बैंकों में। प्राइवेट में उनका खुद चिंता रहता है, खुद हाथों हाथ करते हैं लोग, फॉर्म भी खुद ही भर देंगे। सरकारी में इधर भगाएंगे उधर भगाएंगे, अब बोल रहे कि जाओ आधार कार्ड की फ़ोटो कापी करवा के लेके आओ और फिर फॉर्म भर के दो दोबारा, तो फिर अब 14-15 दिन लगेगा। दिमाग ख़राब हो जाता है इधर ही। सऊदी में हाथों हाथ एक इकामा दो, हाथों हाथ उसी समय वो ATM वगैरह बैंक वगैरह सब ओपन हो जाता है। आप लोगों ने देखा था, मैंने अलराजी में ओपन किया था, 1 घंटे के अंदर सब हो गया था मोबाइल से। ये आधार कार्ड का फ़ोटो कापी करवा लिया मैं, देखो इसीलिए सब प्राइवेट हो रहा है तो सही हो रहा है। सरकारी वाले सही से ध्यान से काम करते हैं नहीं। तो अभी आज आंखों के सामने सब हुआ, तो आज पूरे आंखों के सामने हुआ। 2 तारीख को मैं आया था और सिग्नेचर अपडेट का और ATM कार्ड का फॉर्म भर के मैं दे दिया था, वो लोग ले के रख लिए थे और कहीं उठा के ऐसे फेंक दिए हैं। 1-1.5 महीना इधर हो गया गांव में मैं था, मैं खुश होकर गया था कि चलो गांव से आऊँगा और जाते ही अपने ATM वगैरह ले लेंगे, सब अपना काम चालू। मगर यहां पे ऐसा थोड़ी हो सकता है, जब तक 3-4 बार दौड़ो ना 5 बार दौड़ो ना, होता थोड़ी है। तो आज आँखों के सामने सब कंप्यूटर पर करवाया, साइन वगैरह सब करवा के रखवाया मैं। अब देखो बोल रहे हैं वही हफ्ते भर में आएगा, तो देखो क्या होता है। चलो दोस्तों अप्लाई कर दिया मैं फिर से, अब देखो 6-7 दिन लगेगा, देखो क्या होता है, इस बीच में आता है या नहीं आता है। अपना
काम रुका हुआ है इसी के वजह से, कोई ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करना हो तो मुश्किल हो जा रहा है। तो चलो आ गया मैं इधर गोल चेक करते हैं रेड लाइट पे, यहाँ से ऑटो पकड़ के चलते हैं संगम बिहार फिर से। पता भी नहीं लगता कौन है कौन, बारिश होने लगा देख रहे हो। लॉकडाउन से पहले तो वाइफ कर लेती थी, इतने बारिश में संगम बिहार में बाढ़ आ गया होगा, मैं अंदर कैसे जाऊँगा पता नहीं। तो मैं अहमदाबाद पे आके कब से खड़ा था, तो कालू को मैं बुलाया फ़ोन करके, छतरी लेके आया है वो, देखो ये रहा आपका छतरी, देखो ये रहा आपका छतरी, ये रहा कालू। बाकी शरीर तो चलो बच जाएगा, जूते अभी गीले हो जाएंगे, देखो जूते में पानी भर गए, अभी बाढ़ इधर आया हुआ है संगम बिहार में, देखो बाढ़ आया है संगम बिहार में। हाँ तो देखो बाढ़, और देखो कितने कितने पानी है, पूरा संगम बिहार ऐसे भर जाता है देखो पानी में। जूते तो खराब, जूते तो भूल गए, पूरा बाढ़ आ गया है देखो संगम बिहार में पूरा। देखो अपना कालू नहाते हुए जा रहा है, सब घुटने घुटने तक पानी हो जाता है इधर। देखो सब ऑटो बंद हो चुके हैं, धक्के लगा के जा रहे हैं। और देखो कार कितना डूबा हुआ है, ये लहर मारा लहर मारा। यहाँ पे ज़्यादा गहरा है, पूरा घुटने तक आ जा रहा है पानी, देखो यही हाल हो जाता है संगम बिहार का, थोड़ा सा भी बारिश हो क्या हो जाता है। इसी में अपना बाइक चला के लेके जाओ, बाइक लेके आओ, देखो पानी निकाला जा रहा है साइलेंसर से। चलो इधर तक तो भीग गया, बाकी शरीर अपना सही है, और पर्स वगैरह मोबाइल वगैरह बच गया, ये कालू छतरी लेके आ गया। तो आ गया मैं घर पे, देखो ये सब पैंट वगैरह गीला हो गया है, जूता तो एकदम गीला हो गया है, कालू का छतरी लेके आ गया हूँ, शाम को लौटा दूँगा। चलो अब खाना खाने बैठेंगे। तो देखो दोस्तों ये है आज का खाना, चावल है, दाल है, और ये केले की फ्राई, केले की सब्जी। अब मैं और अमी खाने बैठ गए हैं, ये क्या घी, ये जो घी लेके आए थे घी है। तो चलो दोस्तों अभी हम लोग खाना खाने बैठ गए हैं, आप लोग भी आओ बिस्मिल्लाह करो। तो आज बन रहा है मछली, तो मछली धो रही है नाजिया, देखो कैसे धो रही है, तो मछली बनेगा आज। तो अभी शाम के 6 बज रहा, जा रहा हूँ ये कालू का छतरी लौटाने के लिए। देखो अभी पूरा पानी सूख चुका है, उस समय आप लोगों ने देखा था कि पूरा नदी हुआ पड़ा था यहीं पे। तो देखो कालू यहाँ पे भुट्टा बेच रहा है, तो इसका छतरी लौटाने में आया। अब यहाँ पे भी आने का कोई फ़ायदा होता नहीं है, ये कोयला जला रखा रहता है, गर्मी गर्मी और होता है। देखो मेरा हालात, तो इसका छतरी जल्दी से दे के भाग जाता हूँ मैं, ये तो अपने काम धाम में लगा है, अब मैं लोफर की तरह इसका मुंह देखूंगा। तो ये 3 भुट्टे बुनवा रहा हूँ मैं घर के लिए, घर पे लेके जाऊंगा। तो ये ले लिए मैं 3 भुट्टे लेके जा रहा हूँ घर पे, देखो भीड़। तो देखो अपना खाना आ गया, ये जो मछली बना है वो आ गया, नाजिया लेके आई है। और देखो माँ बोलती रहती है, जब से आया हूँ मैं बोलती रहती है सब्जी खा सब्जी खा, ये चिकन मटन और मछली खाने से बीमारी होता है, और सब्जी खाती है मेरी माँ, सबसे ज़्यादा बीमारी यही लेके बैठी है। हर चीज़ है, शुगर से लेके बीपी तक सब।
तो देखो अपना आज मछली बना है, रोटी बना है, ये तेल डाल डाल के भर दी भाई। तेल सस्ता आ रहा है। तेल से स्वाद बनता है और तेल से ही अच्छा दिखता है। देखो बोल रही तेल से ही स्वाद बनता है, तेल से अच्छा दिखता है। बाकी खाने पे ऐसे तेल निकालता हूँ मैं। देखो बोलती है यही सब तेल खाने से गैस बनता है और अमी गैस वाले बीमारी भी लेके बैठी है। देखो थोड़ा बहुत हंसी मजाक हम लोग कर लेते हैं मगर टेंशन में तो रहती ही है माँ। माँ माँ होती है, किसी का एक रुपया भी खोता है तो दिन भर ढूंढता रहता है। ये तो 20-22 साल तक पाली बच्चे को तो कैसे भूल जाएगी ऐसे अचानक से। दुआ करो आप लोग कि जल्दी मिल जाए भाई। तो चलो दोस्त अभी मैं खाना खाने बैठ गया हूँ, आप लोग भी आओ बिस्मिल्लाह करो। तो चलो इस वीडियो में इतनी था, मिलते हैं कल के वीडियो में।